आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का, वो भी माइक्रोवेव में। और हम लोग थोड़ी सी कढ़ाई की भी हेल्प लेंगे। मेरा नाम है हरीश और स्वागत है आपका हरीश वर्तिका किचन में। तो चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया है। तो अब हम इसका मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे चिकन तंदूरी मसाला दोस्तों, ये लगभग 2 टीस्पून के करीब है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, ये लगभग 1 टीस्पून के करीब है। और जिंजर पाउडर भी, ये भी लगभग 1 टीस्पून के करीब ही है। और दोस्तों इसमें हम यूज़ करेंगे ये हरी मिर्च, ये मैंने दरदरी सी कूट ली थी इमाम जस्ते में। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये दही, दही हम ऐड करेंगे लगभग 2.5 चम्मच। थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, मतलब काली मिर्च। और थोड़ा सा ही हम लोग इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें ऑयल, बस। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गए थे, वो है नमक। तो इसमें हम लोग नमक भी ऐड कर देंगे। नमक हम लोग लगभग 1.25 टीस्पून के करीब करेंगे ऐड। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसे आधे घंटे के लिए हम लोग रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे माइक्रोवेव में कुक करेंगे। तो दोस्तों चिकन को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसे हम लोग स्टील ग्रिल में मूव कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बड़े पीसेस होते हैं चिकन के थोड़े से, वो हम ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले ग्रिल में बेसिकली, क्योंकि ऊपर वाले ग्रिल में बहुत अच्छी तरह से कुक होंगे ये, और जो छोटे पीसेस हैं वो नीचे ईजिली कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों ग्रिल स्टैंड में चिकन को रख लिया है। अब इसे हम लोग माइक्रोवेव में मूव कर देते हैं। तो माइक्रोवेव हमने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसे हम प्रीहीट पे लगाएंगे। तो प्रीहीट पे लगाने के लिए इस कन्वेक्शन मोड पे क्लिक करना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है। 180 डिग्री पे इसे हम प्रीहीट करेंगे। तो जैसे ही ये प्रीहीट हो जाएगा, इसमें बीप आ जाएगी और उसके बाद हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव जो है वो प्रीहीट हो चुका है। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे और इसमें हम लोग अपने ग्रिल स्टैंड्स को मूव करेंगे। ये स्टेप थोड़ा सावधानी से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो बहुत गर्म होता है। तो ये देखिए, हमने इसको मूव कर दिया है। अब इसे हम लोग बंद कर देंगे और अब हम लोग इसको सारी चीज़ें स्टॉप करने के बाद कन्वेक्शन मोड पे टाइमर सेट करेंगे 30 मिनट का, और इसे हम लोग 180 डिग्री पे कुक करेंगे 30 मिनट के लिए। और 30 मिनट के बाद चिकन हमारा कुक हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों चिकन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। ओ वाह दोस्तों, क्या बेहतरीन लग रहा है ये देखिए। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन हमारा कुक हुआ है चिकन। आगे की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने गैस के ऊपर एक पैन को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये देसी घी। तो दोस्तों आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो है देसी घी का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है थोड़ा सा। तो जैसे ही देसी घी हमारा मेल्ट हो गया, इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्रीम। ये देखिए अमूल फ्रेश क्रीम का हम यूज़ कर रहे हैं। लगभग 30 सेकंड के लिए इसे हम लोग कुक करेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो लो है। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये ब्लैक पेपर थोड़ा सा, बस। नमक हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने 1.25 टीस्पून के करीब नमक जो है पहले ही ऐड कर दिया है। तो जैसे ही हमारे 30 सेकंड कंप्लीट होंगे, हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन ऐड करने के बाद इसे टॉस कर लेंगे इसमें अच्छे से। तो दोस्तों मुझे मलाई थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसमें थोड़ी सी और ऐड करूंगा। तो ऑलमोस्ट मैंने ये एक डब्बा जो है मलाई का इसमें ऐड कर लिया पूरा का पूरा। तो गैस का फ्लेम मैंने फुल कर दिया है। तो दोस्तों इसे अब हम लोग 1 मिनट तक कुक करेंगे। तो बस दोस्तों, ये देखिए हमारा मलाई चिकन टिक्का एकदम तैयार है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारा चिकन मलाई टिक्का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।